दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जैव प्रकरण पार्ट 6 से प्रश्न होने वाले हैं, दो दो अंक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है? 2011, 13 और 18 में प्रश्न आया है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो पसीने की ग्रंथि, उत्तर है इसका पसीने की ग्रंथि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है 2010 में? तो मनुष्य में कृंतक दांतों की कुल संख्या 8 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 8। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंतरनाशिका पट किसे कहते हैं? इसका उदाहरण, इसका क्या कार्य है? ठीक है, तो अंतरनाशिका पट कॉर्टिलेज की बनी एक पट्टिका होती है जिसके द्वारा नासिका गुहा दो वेश्मों में बटी रहती है। इस पर स्थित रोमल श्लेष्म कला के कारण धूल कण, रोगाणु आदि वायु नाल में नहीं पहुंचते। तो अंतर्नाशिका पट के बारे में क्वेश्चन आया था, किसे कहते हैं, इसका कार्य। ठीक है, तो इसमें हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अग्रचोर्णक दांतों की संख्या बताइए तथा इनके कार्य। तो मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चार चार अग्रचोर्णक होते हैं, ये भोजन को कुचलने तथा पीसने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 2012 में आया था, देखिए ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं, इसमें सबसे बड़ा वेश्म कौन सा है? तो मनुष्य हृदय में 4 वेश्म होते हैं, बायां नीले सबसे बड़ा वेश्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इतने ही है इस प्रश्न इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।